हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियां भरें, आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें। देखिए, हमारी सुबह सुबह पूजा हो गई है दोस्तों। आज हमने बहुत जल्दी पूजा कर ली है। हमने पहली बार नवरात्रि पे इतनी जल्दी पूजा की है, नहीं तो पहला दिन जब होता था तो हमको 10-11 बज जाते थे पूजा करने में। आज लेकिन हम 7 बजे ही पूजा कर चुके हैं। तो हमने ऐसा क्यों किया, हम ये भी आपको बताएंगे दोस्तों। पहला कारण हमारा ये था कि हमारी बिटिया को स्कूल जाना था और वो 7:15 बजे स्कूल चली जाती है। आज उन्होंने जिद कर रखी थी कि हम मम्मी के साथ ही पूजा करेंगे, तो हमको उनकी बात माननी थी दोस्तों। हमने उनकी बात मानकर सुबह सुबह ही सारे काम कर लिए। सुबह 4 बजे हम उठ गए थे और घर के सारे काम करके, नहाना धोना करके, हमने बिटिया के साथ ही पूजा की है। अभी बीमार हो गई थी बहुत ज्यादा, तो उनकी कोई भी बात होती है तो उसको हम टालते नहीं है, वो जो कहती है हम वो कर देते हैं। इसलिए हमने सुबह 7 बजे ही माता जी की पूजा आराधना कर ली थी दोस्तों। और दूसरा कारण ये था कि हमारे छत के ऊपर काम चल रहा है, प्लास्टर का काम हो रहा है। लेबर मिस्त्री आ जाते हैं 8:30 बजे और अपने काम में लग जाते हैं, तो हमको इसकी भी थोड़ी फिक्र हो रही थी कि ऐसा ना हो कहीं उनको किसी चीज की जरूरत हो और हम पूजा में बैठे रहें तो वो लोग आकर डिस्टर्ब करें। तो इसीलिए हमने सोचा कि सुबह सुबह कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए हमने सुबह सुबह ही पूजा कर ली है। तो मैं 9 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। घर पे कोई नहीं है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, तो सन्नाटा था बिल्कुल। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा खटपट की आवाजें भी कम आ रही हैं, तो वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर देते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे जो काम चल रहा है, कैसे कर रहे हैं वो लोग, कितना काम हमारा हो चुका है। आप सभी लोग बने रहिएगा दोस्तों, देखिएगा हमारी पूरी वीडियो। दोस्तों, नवरात्र व्रत में ज्यादातर आलू ही खाए जाते हैं। हमारे घर में तो सबको आलू पसंद है, आलू खाना, और हमको भी पूरी तरह से पता है कि आलू ज़्यादा खाएंगे तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा। नवरात्रि में हम जितना सोचते हैं कि व्रत के कारण हमारा वेट कम होगा, उतना ही ज़्यादा वेट बढ़ने लगता है। लेकिन क्या करें, आलू ही ऐसी चीज़ है जो कि व्रत में अच्छी लगती है। आलू जब खा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पेट भरा 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 सा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वजन बढ़ाता है आलू। अगर आप भी आलू खाते हैं तो इस बात का ध्यान भी रखना दोस्तों कि आलू खाने से आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आलू खाइए, लेकिन थोड़ा कम खाइए। नहीं नहीं करके हमको आलू बॉईल करने ही पड़ेंगे, आलू की सब्जी हमको बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिटिया भी व्रत है और हस्बैंड भी व्रत हैं, तो दोनों के लिए और हम भी व्रत हैं, तो हम तीनों लोगों के लिए आलू फ्राई करेंगे। और आयुष्मान के लिए हमें कुछ अलग खाना बनाना पड़ेगा, तो इसलिए अभी तो हम जा रहे हैं आलू फ्राई करने। पहले आलू बॉईल करेंगे और उसके बाद हम आलू फ्राई करेंगे। हम आ गए हैं अपने किचन में और अब हम कुकर में आलू उबलने के लिए रख देंगे। आलू हमारे थोड़ी देर में उबल जाएंगे और उसी के साथ साथ हम चाय भी बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि लेबर मिस्त्री जो भी काम कर रहे हैं उनको चाय देना है। टाइम हो गया है, 11:30 बज गया है और 11:30 बजे हम उनको डेली चाय देते हैं, तो आज भी 11:30 बजे ही हम उनको चाय देंगे। तो अभी चाय भी पकाएंगे और हम आलू भी पका लेंगे एक साथ। तो ये सारे काम दोस्तों डेली के हैं हमारे, रोज़ खाना भी बनाना रहता है। आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, आज हमें सिर्फ़ और सिर्फ आलू ही बनाने रहेंगे। आलू बच्चे दही के साथ बहुत पसंद करते हैं, व्रत में दोपहर में दही आलू खाते हैं और शाम को आलू की सब्जी हो या लौकी की सब्जी हो और उसी के साथ में कुट्टू की पूड़ियाँ बनाते हैं, और बच्चे बड़े चाव से खा लेते हैं। बिटिया रानी अच्छे से खाती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी दिनों के बाद वो स्वस्थ हुई हैं पूरी तरह से, तो हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से स्वस्थ ही रहें, तो हम इसीलिए उनको व्रत नहीं रखने दे रहे थे। लेकिन वो नहीं मान रही थी, जिद कर रही थी, और ज़्यादा जिद करने पर ही उन्होंने व्रत रखा है, क्योंकि उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और कहा है उन्होंने कि हम ठीक हैं और हमको व्रत रखना है, हम बिल्कुल व्रत नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया है, मैंने कहा ठीक है व्रत रखो, लेकिन अब बेटी व्रत है तो उसकी सेहत का भी ध्यान हमें रखना है, बिल्कुल भी उसको भूखा नहीं रखना है दोस्तों। तो चाय हम पका रहे हैं, चाय हमारी लगभग पकने वाली है और आलू में 2 सीटियां आ चुकी हैं, आलू हमारे अभी उबल जाएंगे। 3 सीटी में ही हम आलू को उतारेंगे नीचे, क्योंकि हमको थोड़ा आलू ज़्यादा पका पका चाहिए। जब बिल्कुल मिक्स हो जाता है आलू तभी ये लोग खाते हैं, इनको बिल्कुल अलग अलग आलू नहीं चाहिए होता है, एकदम मिक्स
जब आलू हो जाता है बिल्कुल भरते की तरह हो जाता है आलू, तभी ये लोग पसंद करते हैं, दही के साथ मिला के खाते हैं। तो हमको उसी तरह से बनाना है। तो हमको 3 सीटी लगानी है आलू में, हम 3 सीटियाँ लगा देंगे और उसके बाद कुकर को उतार कर नीचे रख देंगे, गैस को हम ऑफ़ कर देंगे दोस्तों। तो चाय भी हमारी लगभग पकने वाली है और चाय हम निकाल लेंगे और इन लोगों को दे देंगे। बहुत ज़्यादा धूप है, खुले में तो बिल्कुल इन लोगों को काम करते नहीं बनेगा, इसीलिए हमने अभी सबसे ऊपर काम नहीं शुरू कराया है, हमने बीच वाले पोर्शन में ही काम शुरू करवाया है। जब तक धूप बहुत तेज़ है, तो मैंने बोला था कि जब थोड़ा धूप कम हो जाए तभी ऊपर का काम स्टार्ट करना, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और ऐसे में काम नहीं हो पाएगा। तो ये लोग बीच वाले पोर्शन पे ही काम कर रहे हैं, हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे दोस्तों, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए चाय हमारी पक चुकी है और अब हम चाय निकाल देते हैं और निकाल के ऊपर दे आते हैं। हम चाय देने जाएंगे तभी हम आपको दिखाएंगे कि कितना काम हुआ है। मैंने आपको होली के पहले वीडियो दिया था, उसमें मैंने दिखाया था कि जो दीवारें उठी थी उस टाइम दीवारें उठ रही थी और होली बीच में पड़ गई, तो हमको काम बंद करना पड़ा। और अब जब से होली ख़त्म हुई है, 8ों के 2 दिन बाद से ही काम शुरू हो चुका था और काफ़ी हद तक काम निपटने वाला है। अभी 8 दिन में लगभग हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए चाय हमारी बन चुकी है और अब हम ऊपर जा रहे हैं, उन लोगों को चाय देंगे और आप लोगों को दिखा भी देते हैं कि कितना काम हुआ है, अभी कितना बाकी है दोस्तों। तो देखिए हम ऊपर आ चुके हैं और ये काम चल रहा है। तो पीछे का हमारा प्लास्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, वो पीछे के 2 कमरे हमारे कंप्लीट हो गए हैं और ये आगे का बरामदा अभी रह गया है। तो ये बरामदे में आज और कल 2 दिन में होने की संभावना है कि 2 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज एक एक लेबर और एक मिस्त्री नहीं आए हैं, उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ा था। तो हमने 4 लेबर और 3 मिस्त्री लगा रखे हैं। तो यहाँ पर आज वो लोग छुट्टी पर हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा पीछे का रूम है जो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये पीछे के दोनों रूम हमारे कंप्लीट हो गए हैं और जो आगे का बरामदा है वो अभी नहीं कंप्लीट हुआ है। तो ये हमने तीसरा जो हमारा रूम था, हमने उसको तोड़वा के पूरा ओपन करवा दिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा रूम नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे भी बना हुआ है और ऊपर हम इतना ज़्यादा नहीं बनवाएंगे। पूरा बंद बंद हमको अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा हम खुला खुला ही सोचते थे बनवाने का। तो हमने इसीलिए एक रूम को बिल्कुल पूरी तरह से ओपन करवा दिया है और ये हमारा बरामदा है। यहाँ पर अभी मोरंग सीमेंट का जो भी मसाला तैयार होता है वो ये लोग तैयार करते हैं यहीं पर और आगे काम करते हैं। हमने नीचे से सारी मोरंग सीमेंट ऊपर चढ़वा ली है ताकि इन लोगों को दिक्कत ना हो, बार बार सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े। सीढ़ियाँ चढ़ने में इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्टोर करवा लिया है।